नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताऊंगा कि दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 के मैथ्स क्लास 12th में आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन को 8 नंबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आप बुक में पढ़ सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि 2 × 1 0 3 x + y 0 1 2 = 5 6 8 और 1 दिया गया है। तो हमें क्या करना है, x तथा y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें दिया क्या गया है उसे हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। दिया गया है 1 3 0 और x, इसके बाद प्लस दिया गया है y 0 1 और 2, इसके बाद इक्वल में कुछ दिया गया है उसे भी लिखेंगे। दिया गया 5 6 1 8, कह रहा है कि इसका एक्स तथा वाई के मान निकालिए। देखिए दोस्तों, एक्स तथा वाई के मान तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, इससे पहले आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं इतने लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए फ्री में बढ़ा रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ, तो आप मेरी थोड़ी सी हेल्प तो कर ही सकते हैं, ज़रूर करेंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों आप सभी से, तो आप मेरी भी हेल्प करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे x तथा y का मान निकालेंगे, सबसे पहले इस 2 का मल्टीपल अंदर कर देंगे। जब 2 का मल्टीपल अंदर कर देंगे तो 2 3 6 और 0 और ये 2x आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जो जब इस 2 का मल्टीपल करेंगे तो सभी एलिमेंट्स में होगा। ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तो पहली पंक्ति के दोनों अवयव पे होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा। तो मैंने इसमें भी 1 में 2 का गुणा किया 2 आया, 2 में 3 का गुणा किया 6 आया, 2 में 0 का गुणा किया 0 आया। 0 एक ऐसी महान संख्या है जिसमें किसी भी चीज़ से गुणा करो तो 0 ही आता है, और इस 2 से मल्टीपल करेंगे x में तो 2x हो जाएगा फिर प्लस, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये बचेगा y 0 1 2, ठीक है, इक्वल टू में दिया गया है 5 1 6 8, इतना दिया गया है। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, हमें यहाँ से पहली पंक्ति है, ये पहला कॉलम है, पहली पंक्ति है, पहला कॉलम है, और ये पहली पंक्ति है और ये भी पहला कॉलम है, इनको हम आपस में जोड़ेंगे ना, तो पहली पंक्ति से पहला कॉलम जुड़ेगा, प्लस लगा हुआ है, और ये दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम है, तो ये पहली पंक्ति दूसरा कॉलम है, तो ये एलिमेंट इससे जुड़ेगा। मतलब जो एलिमेंट जहाँ पर दिया गया है वही एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के उसी जगह के एलिमेंट से ऐड होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 + y, और यहाँ से 6 में जब 0 जोड़ लेंगे तो 6 + 0, और इसमें 0 + 1 ये यहाँ से हो जाएगा, और ये इसमें जोड़ेंगे तो 2x + 2, इक्वल टू में क्या दिया गया है उसे लिखेंगे तो 5 6 1 8, इतना दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा समझिएगा, बहुत गौर करिएगा, हम लोग करेंगे क्या, सिंपल सी बात, यहाँ पे हम लोग 2x, देखिए यहाँ पे लिखा गया ये, और ये a11 है और ये a11 है, तो हम इसको आपस में बराबर लिखा गया है, तो ये एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होंगे। जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं तो उनके अलग अलग एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ये मैट्रिक्स बराबर है, तो इसका मैट्रिक्स का एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। तो मेरे कहने का मीन्स, जब कभी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए इस एलिमेंट्स को हम आपस में बराबर कर देंगे अगले एलिमेंट से, तो यहाँ से एक वैल्यू निकल गया है कि इसमें एक्स दिया गया है, तो इसको बराबर कर देंगे एक एलिमेंट से, तो 2x + 2 = 8। अब देखिए दो समीकरण हमें मिल गए, अब हमें आसानी से वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो वाई बराबर हम इसे पक्षांतर कर देंगे, तो 5 में जब 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 3, ठीक है। तो वाई बराबर हमने क्या निकाल दिया, 3। अगर x इक्वल टू निकालना है तो 2x + 2 = 8 दिया गया है, तो 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 2x = 8 - 2, तो 8 - 2 जब घट जाएगा दोस्तों तो क्या बचेगा, 6। तो x बराबर अगर मैं निकालूंगा तो ये गुणे वाली संख्या बटे में जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 3। तो x का मान 3 और y का मान 8, x का मान 3 और y का मान 8 हमें निकाल लिया, हमें क्या निकालना था, x का मान तथा y का मान। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे समझेंगे और उसको भी कैलकुलेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x, ये हमने ये क्वेश्चन कर लिया 9 नंबर, अब 10 नंबर करेंगे। दिया गया है 2 × x z y t t 3 1 - 1 0 2 और 1, ये मैट्रिक्स दी गई है, इसमें भी कह रहा है x तथा y तथा z तथा t के लिए हल कीजिए, कह रहा है इन सभी मानों के लिए समीकरणों को आपको क्या करना है, हल करना है। तो भाई चलो हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज चेंज कर लेंगे।
देखिए ये मैट्रिक्स हमें गिवेन है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हमें कैलकुलेट करके इसमें से एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो भी मल्टीपल में संख्याएं लिखी गई हैं इनको सभी को गुणा कर देंगे, अंदर मल्टीपल कर देंगे। तो इसका अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स, इसको करेंगे तो टू जेड, इसका करेंगे तो टू आई, इसका करेंगे तो टू टी, ठीक है। इसके बाद प्लस, इसका जब अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा माइनस थ्री, जीरो और ये हो जाएगा सिक्स, ठीक। मल्टीपल करा मैंने, देखिए मल्टीपल करने का एक रूल होता है कि जब ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हम मल्टीपल करेंगे तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स में होगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, कोई इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये दो का अंदर मल्टीपल करेंगे तो सभी एलिमेंट्स में होगा। तो मैंने सभी एलिमेंट्स में करवाया, यही रूल यहाँ पे लगाएंगे, सभी एलिमेंट्स में कराएंगे और यही रूल यहाँ पे लगाएंगे। जब तीन का अंदर करेंगे, तीन त्रो को नौ, पाँच तेई पंद्रह, चार तेई बारह, छः त्रिक अठारह। इतना करने के बाद दोस्तों ये वाली जो मैट्रिक्स दी गई है इसको आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स को, तो हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा टू जेड माइनस थ्री और ये हो जाएगा टू आई प्लस जीरो और ये टू टी और प्लस इसके बाद सिक्स। मैंने बताया ना अभी अभी कि जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं तो उनके एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। अब इसमें देखिए सोचने वाली बात यह है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में प्लस में लिखी होंगी तो उनके एलिमेंट भी अलग अलग सभी प्लस में होंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या किए कि ये दो मैट्रिक्स लिखी हुई थी प्लस में, धन में, तो हमने इनको जोड़ने के लिए इनके जो एलिमेंट हैं वो भी आपस में प्लस में होते हैं। तो इनके मैट्रिक्स को हमने इस मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स में कर लिया और इनके सभी एलिमेंट्स को आपस में अलग अलग कर दिया। अब दोस्तों हम लोग हमको क्या करना है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं तो उनके एलिमेंट्स भी अलग अलग आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स को बराबर करेंगे तो टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू हो जाएगा नौ। तो यहाँ से तीन को उधर ले जाएंगे तो टू एक्स बराबर हो जाएगा नौ माइनस के तीन अर्थात छः। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द्वितीय छः यानी एक्स का मान क्या निकल के आ जाएगा, थ्री। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, इतना भी ना है तो बेकार है यार इंटर में ना। तो देखिए टू जेड माइनस थ्री इक्वल टू हो जाएगा पंद्रह, तो यहाँ पे निकालेंगे तो हो जाएगा टू जेड माइनस थ्री इक्वल टू पंद्रह। तो अब देखिए समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बताइएगा कोई प्रॉब्लम हो तो। अब देखिए टू जेड माइनस थ्री इक्वल टू पंद्रह, तो थ्री को उधर ले जाएंगे तो टू जेड बराबर पंद्रह और प्लस के तीन। तो अब इसको मैंने इसको कैसे किया था देख लीजिए, टू जेड पंद्रह में तीन जो है तो कितना हो गया अठारह, ये मल्टीपल में संख्या लिखी हुई है, इधर जाएगी तो अठारह बटे दो तो क्या हो जाएगा नौ, ठीक है। तो जेड का मान हमारे पास क्या निकल के आ गया दोस्तों, नौ, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू आई प्लस जीरो इक्वल टू बारह, तो यहाँ पे करेंगे टू आई प्लस जीरो इक्वल टू बारह। तो हम टू आई प्लस जीरो, तो प्लस का कोई जीरो कोई मतलब नहीं है, तो ये बारह। तो देखिए इसको हम करेंगे तो दो छक्का बारह, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, छः, ठीक। अब इसके बाद टी का मान हमें निकालना है, तो टी के लिए देखिए ये वाला ये एलिमेंट्स बराबर होगा तो टू टी प्लस सिक्स इक्वल टू अठारह। तो अब देखिए उधर ले जाएंगे तो टू टी बराबर अठारह माइनस के छः, तो टू टी बराबर अठारह में जब हम लोग छः घटाएंगे तो बारह, तो टी को जब हम कैंसिल कर देंगे दो से बारह को तो आ जाएगा छः। तो देखिए दोस्तों हमें निकालना था x का मान, y का मान, z का मान और t का मान। तो ये चारों मान आपके सामने निकल कर आ गए हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने निकाला, वो भी देख सकते हैं। फिर से एक बार इस सवाल को देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल में क्या करना था, दो का अंदर मल्टीपल करना था। जब हमें किसी भी मैट्रिक्स का आपस में मल्टीपल करना होता है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके सभी एलिमेंट्स का मल्टीपल उस संख्या के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए सभी एलिमेंट्स के साथ सबका मल्टीपल किया। फिर इसके बाद जब दो मैट्रिक्स आपस में धन में प्लस में लिखी होती हैं तो उनके अलग अलग एलिमेंट भी प्लस में होते हैं, तो मैंने उनके अलग अलग एलिमेंटों को प्लस में लिख लिया। अब जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं तो उनके एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होते हैं, तो उनको मैंने अलग अलग बराबर कर लिया और आपका आंसर निकल के आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो मोबाइल है इसकी बैटरी बहुत जल्दी डेड हो जाती है, इसकी बैटरी उतर चुकी है, स्विच ऑफ हो सकता है कभी किसी भी टाइम। इसलिए हम लोग करेंगे क्या, इसका इसमें अंदर मल्टीपल कर देंगे और उस साइड से जोड़ लेंगे। तो जो करेंगे क्या, जल्दी से करेंगे, देखिए थ्री एक्स और ये थ्री वाई और ये थ्री जेड, अभी भी मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है, थ्री ओमेगा या डब्ल्यू जो भी है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स
प्लस फोर, और ये हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स, क्योंकि प्लस में लिखी गई है, और ये हो जाएगा जे प्लस डब्ल्यू माइनस वन, और ये हो जाएगा टू डब्ल्यू प्लस थ्री। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए प्लस लगा हुआ था तो मैंने आपस में जोड़ लिया। अब क्या होगा, ये दोनों सभी एलिमेंट्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इनको अलग अलग बराबर करेंगे। वही बात आ गई, जब दो मैट्रिक्स दी होती हैं और वो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं, क्या होता है, वो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती हैं तो उनके एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। मैंने किया क्या, यहाँ पे लगा हुआ था प्लस, तो मैंने इसको जोड़ा तो एक्स प्लस फोर हो गया, इसमें जोड़ा तो ये हो गया, इसको इससे जोड़ देंगे, और ये जो थ्री है इसको टू डब्ल्यू, तो ये एलिमेंट से जोड़ देंगे, क्योंकि इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, और इसका इससे होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इनको आपस में बराबर कर लेंगे, तो जब बराबर करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस फोर बराबर थ्री एक्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस एक्स को भी उधर भेज देंगे, तो जब एक्स को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा थ्री एक्स माइनस एक्स बराबर चार, तो इसको कटेंगे तो हो जाएगा टू एक्स बराबर फोर, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा फोर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद इसे करेंगे, देखिए यहाँ से हो जाएगा थ्री वाई बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स, तो देखिए करेंगे क्या, एक्स की वैल्यू जो निकली है उसे रख देंगे, तो ये हो जाएगा थ्री वाई, और इस वाई को इधर वाई की तरफ ले आएंगे तो माइनस का वाई, और इस एक्स में चार का मान रख देंगे प्लस सिक्स, तो दस हो जाएगा। तो यहाँ से थ्री वाई में जब हम लोग माइनस वाई घटा देंगे तो टू वाई बराबर दस, अब इससे कैंसिल कर देंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा पाँच। ठीक, आई होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये लेंगे तो देखिए थ्री जेड बराबर हो जाएगा थ्री जेड इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू माइनस के वन। ठीक है, तब देखिए इस जेड को इधर ले आएंगे क्योंकि जेड तरफ, तो ये हो जाएगा थ्री जेड माइनस जेड इक्वल टू डब्ल्यू माइनस के वन, तो ये जेड से जेड घटेगा तो ये हो जाएगा टू जेड, और ये हो जाएगा बराबर डब्ल्यू माइनस के वन। तो देखिए इधर से तो वैल्यू निकल नहीं सकती, तो हम क्योंकि हमारे पास ना डब्ल्यू की वैल्यू है और ना एक्स वाई की वैल्यू है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम डब्ल्यू या तो जेड की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से लिखें टू डब्ल्यू प्लस थ्री बराबर थ्री डब्ल्यू, यानी कि थ्री डब्ल्यू बराबर अगर हम लिखें यहाँ से टू डब्ल्यू और प्लस के थ्री, तो हम इस डब्ल्यू को इधर ले आएंगे टू डब्ल्यू को, तो थ्री डब्ल्यू माइनस टू डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा थ्री डब्ल्यू में टू डब्ल्यू घट जाएगा तो क्या बचेगा डब्ल्यू बचेगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा थ्री। अब इस डब्ल्यू का मान हम यहाँ रख लेंगे तो टू जेड बराबर हो जाएगा थ्री माइनस वन, यानी कि टू, टू से टू कट जाएगा तो जेड बराबर क्या आ जाएगा वन। तो आई होप ये सवाल आपके समझ में आ गए होंगे, मैंने इस पर कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती है या आपस में धन में लिखी होती है उसके एलिमेंट्स भी आपस में उसी तरह लिखे होते हैं। जैसे दो मैट्रिक्स आपस में माइनस में लिखी हुई है तो उनके अलग अलग एलिमेंट्स भी माइनस में लिखे होंगे, तो यहाँ पे प्लस में लिखी हुई थी तो मैंने ये निकाल लिया। फिर अब देखिए दो मैट्रिक्स जब आपस में बराबर होती हैं तो उनके एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होते हैं, तो इसको आपको इसके बराबर कर लेना है, इसको आपको इसके बराबर कर लेना है, और इसको आपको इसके बराबर कर लेना है, और इसको आपको इसके बराबर कर लेना है, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, मैंने करके दिखा दिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मेरे सभी प्यारे छात्र मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।